सनसनी ऑफ इंडिया। एक शख्स के जेल जाने के बाद उसके दोस्त ने मजबूरी का ऐसा फायदा उठाया कि जेल में बंद दोस्त की मदद करने की जगह उसकी पत्नी के साथ अवैध रिश्ते बनाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। पत्नी की बेवफाई और दोस्त के विश्वासघात के बाद टूटे एक पति ने जेल से बाहर आने के बाद अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की पहचान थाना पहाड़गंज इलाके के कुख्यात बीसी 32 वर्षीय रॉबिन के रूप में हुई है। आरोपी के पास से क्राइम में इस्तेमाल हथियार यानी खून से सना चाकू और उसके द्वारा पहने गए कपड़े, इनर गारमेंट्स और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। उत्तर जिला डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि दिनांक 9 जून 2022 को थाना सदर बाजार में एक शख्स को चाकू घोंपने की सूचना मिली थी। मौके पर गई पुलिस टीम को पता चला कि कुछ लोग पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए पहले ही लेडी हॉर्डिंग अस्पताल में लेकर चले गए हैं। पुलिस अस्पताल पहुंची तो पता चला कि कुणाल की मौत हो चुकी है। मरने वाले की पहचान कुणाल नाम के शख्स के तौर पर हुई है। चश्मदीन गवाह लड़की रीना ने पुलिस को बताया कि वो पालम निवासी कुणाल के साथ पिछले 5-6 महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दिनांक 8 और 9 जून की दरमियानी रात वो कुणाल के साथ अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से उसका पति रोबिन आया और कुणाल को कई बार चाकू मारकर फरार हो गया। थाना सदर बाजार में FIR संख्या 393/22 अंडर सेक्शन 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हत्यारोपी को जल्द से जल्द दबोचने के लिए उत्तर जिला DCP सागर सिंह कलसी ने सुश्री प्रज्ञा आनंद ACP सदर बाजार की सुपरविजन व कन्हैया लाल SHO सदर बाजार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर प्रवेश कौशिक, इंस्पेक्टर दीपक लोचिव, SI निशांत, हेड कांस्टेबल शंकर अनुज अमरजीत, जितेंद्र शंकर अनुज अमरजीत, जितेंद्र कांस्टेबल महिपाल, राकेश संजय, नितिन नवीन, विजय मलिक, महिला कांस्टेबल शिप्रा उर्मिला व राजबाला की अलग अलग कई टीमों का गठन किया। टीम ने सबसे पहले उत्तरी जिले के CDR सेल के ASI विनोद वालिया से टेक्निकल मदद लेने के साथ इलाके में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल कर हत्यारोपी के भागने के रूट की जांच की, लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस को चकमा देने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद करके अंडरग्राउंड हो गया था। फिर भी टीम ने आनंद पर्वत, सराय रोहिल्ला, चंचल पार्क, रघुबीर नगर, बहादुरगढ़, नांगलोई आदि में आरोपी व्यक्ति के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। दिनांक 10 जून 2022 को मुखबिर से टीम को पता चला कि आरोपी अपने एक पुराने मामले में तारीख भुगतने के इरादे से 30,000 कोर्ट के पास मौजूद है। टीम ने छापेमारी कर हत्यारोपी को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार पूछताछ में रॉबिन ने बताया कि वो और कुणाल अच्छे दोस्त थे। कुछ दिनों पहले उसे एक मामले में जेल हो गई थी। जेल में बंद रॉबिन की मदद करने की जगह कुणाल उसकी पत्नी के साथ अवैध रिश्ते बनाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। जेल में रॉबिन को यह भी पता चला कि उसकी 7 साल की बेटी भी दोनों के साथ रह रही है। इस बात से रॉबिन काफी नाराज हुआ और जेल से बाहर आते ही उसने कुणाल को सबक सिखाने की ठान ली। 8 और 9 जून की दरमियानी रात रॉबिन ने अपनी पत्नी रीना को अपने दोस्त कुणाल के साथ जाते हुए देखा। रॉबिन पहले से ही मौके की तलाश में था। देर रात मौका पाकर दोनों का पीछा कर कुणाल पर चाकू से कातिलाना हमला किया। कुणाल ने खुद को बचाने की कोशिश की और बस्ती रघुनाथ की ओर भागा, लेकिन रॉबिन ने उसे दौड़कर दबोचकर चाकुओं से गोद दिया और वहां से फरार हो गया। हत्यारोपी 32 वर्षीय रॉबिन गली मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज का रहने वाला है। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ थाना पहाड़गंज, नबी करीम और देश बंधु गुप्ता रोड में डकैती, चोट और चोरी के 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह थाना पहाड़गंज इलाके का सक्रिय BC भी है। आरोपी की निशानदेही पर टीम ने क्राइम में इस्तेमाल हथियार यानी खून से सना चाकू और उसके द्वारा पहने गए कपड़े, इनर गारमेंट्स और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क ए विजय न्यूज ग्रुप। हरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश
तो कहीं रंजिश और जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।